पीपल देव की यह कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वह हर रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली, कल ले आना उस लड़की को, जहाँ छह लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ सातवीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भर पेट खाया और कहा भी, ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके पर दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटे, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आँख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आग से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी।
जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। पीपल देवताओं का साकार रूप है। पीपल को जल चढ़ाने से देवता सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। पीपल में प्राण वायु बढ़ती है एवं प्रदूषण समाप्त होता है, जो एक दैविक कर्म है। पीपल पेड़ों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सभी वृक्षों में अपने आप को पीपल का वृक्ष बताया है। साक्षात भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। अगर आप भी पीपल के पेड़ में दिया जलाते हैं अथवा पीपल की पूजा करते हैं, तो भगवान नारायण की कृपा से आप पर अवश्य बनी रहेगी पीपल की कृपा। लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि पीपल के पेड़ की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल पर जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। पीपल की पूजा सुबह कितने बजे करनी चाहिए इत्यादि। पीपल के पेड़ से जुड़ी धार्मिक एवं रहस्यमयी जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं पीपल की पूजा का महत्व एवं पीपल की पूजा के फायदे। उसके बाद हम जानेंगे कि पीपल के पेड़ की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में पीपल को साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप बताया गया है। पीपल की पूजा करने का प्राचीन काल से विशिष्ट महत्व रहा है। पीपल की पूजा करने मात्र से भगवान नारायण एवं महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्सर लोग अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करते हैं। पीपल ही एक ऐसा अद्वितीय वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध से लेकर के विभिन्न ऋषि मुनियों ने अखंड ज्ञान प्राप्त किया है। पीपल के वृक्ष को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि पीपल का ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। आइए जानते हैं पीपल की पूजा के फायदे। पीपल भगवान नारायण का स्वरूप है। पीपल में ही माँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में कभी भी जल न चढ़ाएं। सूर्योदय से पहले पीपल का पेड़ देखना भी नहीं चाहिए और ना ही पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए। जब सूरज उग जाता है उसके बाद ही पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख पाया जाता है। सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के पास जाने से अथवा पीपल के पेड़ की पूजा करने से, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से घर में दारिद्र आता है। अतः सूर्योदय के बाद ही पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए।